हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फार्म बिल के विरोध में दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन में महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया है। आज विधायकों की बैठक जो है वो मुंबई में हुई। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बालासाहेब थोरात जी है। सर, आप लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया है, क्या उस प्रस्ताव में और किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? ऐसा है कि वो कानून जो बनाया है वो किसानों के खिलाफ है, और सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं, वो आम जनता के खिलाफ है। क्योंकि ऐसा है कि जो कुछ लोग साठेबाज लोग होंगे वो किसानों से बहुत कम दाम में उनका परचेस करेंगे कृषि माल, और वो स्टोर करेंगे और जनता में महंगे दाम से बिकेंगे। उन्होंने आधारभूत कीमत का जो है वो भी, उसके बारे में भी केंद्र सरकार कुछ बात नहीं करती उनके साथ। ये किसानों पर बहुत ज्यादा असर करने वाला और जनता पर बहुत असर करने वाला और कुछ मुठभर लोगों के लिए ये कानून बनाया है, तो हम तो खिलाफ है। और हमने सपोर्ट आज पूरे स्टेट में भी, हम हर तालुका में आज आंदोलन कर रहे हैं सपोर्ट में, और अभी हमने रिजोल्यूशन पास किया है। अशोक चौहान जी भी हमारे साथ है। सर, ये समझना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में इस तरह का कानून, इसके खिलाफ में सरकार लाने, ये जो कानून केंद्र ने बनाया है उसका सभी जगह आलोचना हो रही है। पंजाब में हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है, राजस्थान में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है। एक भी स्टेट देश में ऐसा बचा नहीं कि जहाँ इसकी आलोचना नहीं हुई है। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने के लोगों का विरोध है, और महाराष्ट्र में अलग से कानून होना चाहिए। ये प्रदेश कांग्रेस, हमने मिलकर मांग मुख्यमंत्री से की है, इसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी बनी है। महाराष्ट्र के लिए अलग कानून होगा, और जिस कानून के तहत किसानों को राहत देने के लिए सही दाम किसानों को मिलना चाहिए, इसके लिए हमारा अलग से कानून बनाने का हमारा प्रयास है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में समिति बनी है, उसका फैसला वो करेगी। लेकिन आपको लगता है कि ये जो अभी 7 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है, इसमें ये कानून जो है या लॉ जो है वो टेबल, उसमें तो अभी तो कमेटी बनी है, मेबी अगले सेशन तक या उसमें ऑर्डिनेंस भी निकाला जा सकता है। ये पूरे मामले में प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर अपना पद्म विभूषण जो है दे रहा है, दुरुस्त है। मैं कहूंगा प्रकाश सिंह बादल जी का हम स्वागत करते हैं फैसले का, कम से कम दे रहा है, दुरुस्त है, और किसानों के हित में उनका जो फैसला अकाली दल ले रहा है उसका हम स्वागत करते हैं, और हमने तो समर्थन दिया, आंदोलन को किया ही है पूरे देश भर पे। सवाल, आपको लगता है कि मोदी सरकार झुकेगी किसानों के सामने या चर्चा ही करेगी? कोई झुकने का विषय नहीं है, फैसला सही होना चाहिए, गलत फैसले को उन्हें ठीक करने का उनका अभी वक्त है, वो कर सकते हैं। शुक्रिया बात करने के। तो कुल मिलाकर जिस तरह से फैसला केंद्र सरकार ने फार्म बिल को लेकर जो बिल पास किया है, अभी भी समय है कि अपने फैसले को सरकार जो है वो बदल सकती है। इस तरह की मांग जो है वो कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र में करते हुए दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।